मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है, पर यह हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलने वालों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए फ्री। मैं हूँ हिंदू का मतलब ये नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं, मेरा सवाल है। बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। ये उनमें क्या अंकल जी, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ये हमारे नेता काले अंग्रेज हैं। खड़गे को बोल रहे हैं। देखो आप किसी को काला बोल के ऐसे नहीं बोल सकते आप। खड़गे जी काल नहीं, मैं ले रहा हूँ आपके आपकी दिल की बात मैं बोल रहा हूँ। खड़गे जी काले हैं तो इसमें उनका क्या दोष है? आपको ना ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और स्कूल कौन से बंद में अंकल जी, सीधे से नहीं बोल रहे हैं, मदरसे। ये स्कूल का नाम ले रहे हैं, बच रहे हैं, क्योंकि देखो बयान विवादित। नहीं 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 नहीं, हाँ ये देखो पॉइंट पे आ गए। एक मिनट। कौन से राज्य में ये 60,000 स्कूल बंद हुए आंकड़ा है आपके पास, या व्हाट्सएप गैंग से आपने पढ़ लिया होगा? मैं बता रहा हूँ, जो 5,000 करोड़ के घोटाले पे मम्मी पेटा भी जमानत पे बाहर है ना, ये बीजेपी ना आती तो ये और बढ़ना था। देश का विकास तो वहीं होता, जैसे खाते में 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 करोड़ बढ़ते चले जाते ना। मैं 125 में आधा एक क्वार्टर लेके आता था, पर जैसे ही केजरीवाल की सरकार आई और फिर आधा आने लगा, एक के साथ एक फ्री आने लगी। अंकल जी बीच में बीजेपी आ गई है, पता नहीं कहां से बीच में बीजेपी आ गई है। और मनीष सिसोदिया के अच्छे काम, जो एक शराबी भाई की किडनी लीवर जैसे तैसे दारू पी रही थी, और बताओ उस अच्छे भले आदमी को, सिसोदिया को, कितना नेक काम उसने किया। एक के साथ एक दारू फ्री की अगले ने, उसको जेल में डाल दिया बीजेपी वालों ने। बीजेपी ऐसे काम मत करो। देश का युवा शराब पीने का आदि जैसे तैसे बना था, और आपने देखो बीजेपी वालों उस युवा को शराब से आपने वंचित कर दिया। केजरीवाल जैसा आदमी, बीजेपी ने पूरे देश में 60,000 स्कूल बंद कर दिए। 60,000 स्कूल बंद कर दिए। आम आदमी, गरीब आदमी भाई प्राइवेट स्कूल की कहां से फीस देगा, मेरे को कोई बताओ। नहीं बंद कर दिए होंगे, 60,000 नहीं। हेलो 60,000। एक मिनट। कौन से राज्य में ये 60,000 स्कूल बंद हुए आंकड़ा है आपके पास, या व्हाट्सएप गैंग से आपने पढ़ लिया होगा? मैं बता रहा हूँ आंकड़ा, सुनिए आंकड़ा गलत है, सुनिए आंकड़ा। हरियाणा में कम से कम, हरियाणा में 9,000 स्कूल, अकेला हरियाणा बंद हुए, सारे जिलों में बंद हुए। अच्छा मैं भी जानता हूँ, मुझे भी व्हाट्सएप से मैसेज आया था, पूरे देश में स्कूल बंद हो गए, पूरे देश में। और स्कूल कौन से बंद में अंकल जी, सीधे से नहीं बोल रहे हैं, मदरसे। ये स्कूल का नाम ले रहे हैं, बच रहे हैं, क्योंकि देखो बयान विवादित। नहीं 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 नहीं, हाँ ये देखो पॉइंट पे आ गए, मदरसे ही बंद हुए। असम में मदरसे बंद हो गए, ये यूपी में कम हो गए, सारी जांच पड़ताल चल रही है। तो व्हाट्सएप पे वो मदरसों का स्कूल लिख के भेजा हुआ है, अंकल जी का थोड़ी जानकारी कम है, हकीकत में मदरसे बंद हुए। सच में सर हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं? देखो एक बात बताओ, पहले मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेजों ने किया। राज ने क्या लूटा, राज नहीं होता, लूटा है, लूटा है। अब सुनो, भगत सिंह ने ये कहा था कि तुम आजादी तो ले लोगे अंग्रेजों से, लेकिन ये काले अंग्रेज आएंगे, ये देश को लूट रहे, ये देश हमारे नेता, ये काले अग्रे हमारे नेता, ये हमारे नेता काले अंग्रेज हैं। खड़गे को बोल रहे हैं। देखो आप किसी को काला बोल के ऐसे नहीं बोल सकते आप। खड़गे जी काल नहीं, मैं ले रहा हूँ आपके आपकी दिल की बात मैं बोल रहा हूँ। खड़गे जी काले हैं तो इसमें उनका क्या दोष है? आपको ना ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, काला गोरा नहीं बोलना चाहिए। काले की बात किसे कर रहे हैं? काले सुनो, खड़गे की बात नहीं है। इतने हाईवे बन गए, आज पांचवी शक्ति बन गई, पांचवें G20 सम्मेलन हो गया। पहले मोदी जी बाहर जाते थे तो ये लोग पहले दुखी थे कि मोदी जी बाहर क्यों जा रहे हैं, अब वो बाहर से कन्हैया यहाँ बुला रहे हैं तो दुखी। तो भैया सुख तो मैंने कहा लगता ही है, जब इंसान ने भगवान को गाली बक दी तो हम तो छोटे मोटे हैं, तो मोदी जी को गाली बकने में क्या टाइम लगाएंगे? हिंदू मुस्लिम बढ़ गया बीजेपी सरकार, कौन सा बढ़ गया? कांग्रेस के राज में नहीं था, 8-9 साल के अंदर ये कांग्रेस, मोदी जी ने सबको जोड़ के और सबको साथ लेके चल रहे। मोदी जी तो वो काम करेंगे आने वाले 2 साल के अंदर, डीजल पेट्रोल की कहानी खत्म करने वाले। मोदी जी तो उस लेवल पे काम कर रहे हैं, अंकल को इतनी मेर से पड़े हैं, मुझसे ज्यादा सोच होनी चाहिए, मैं तो इनसे आधी उम्र का हूँ। इन्हें सिर्फ मतलब किसी चीज से नहीं है, मतलब नहीं है किसी चीज से। मोदी जी योगी जी ने वो उस लेवल का काम कर दिया कि भगवान की जगह हम उनको पूजने लग गए। आज इस दिल में मोदी जी है, इसमें योगी जी है, हम तो पूछते हैं मंदिर के अंदर बिठा के। मोदी जी ने और योगी जी ने जो काम करे ना, आज तक पिछली कोई सरकार ही नहीं कर। मोदी जी अगर 20 साल पहले आ गए होते ना, आज हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया। आज 9 साल के अंदर 5वीं शक्ति बन गया। आज रूस जैसा हमारे आगे पीछे घूमता, अमरीका जैसा हमारे आगे पीछे घूमता,
रशिया जैसा कितनी कंट्रियां हमारे के पीछे घूमती है। तो हमें क्या है यार, मैं आज असला यहाँ बन रहा है, सब कुछ यहाँ बन रहा है, हवाई जहाज यहाँ बन रहा है, हेलीकॉप्टर यहाँ बन रहा है, और क्या चाहिए यार। आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, जो आए दिन कन्वे पाकिस्तान हमारे पर अटैक करता था, आज कौन से अटैक हो रहे। कांग्रेस के राज में इसी सेंटर पार्क में बम फटा था, करोल बाग सरोजी नगर में, आज कितने इतने 10 साल के अंदर कितने बम फट गए यार। मैं सुन लेता हूँ। देखो देश आजाद हुआ, हमारे पास कुछ नहीं था, लड़ाई भी हुई है कई, डेवलपमेंट होने के लिए पंचवर्षीय योजना नेहरू ने बनाई, काम हुए, सारी इंडस्ट्री लगी। अगर को कहे कि पिछले 2014 से पीछे काम ही नहीं हुए तो भाई, हो तो फिर सब कुछ इन्होंने किया। नेहरू ने तो 62 के अंदर फौज मरवाई, इतने शहीद कर दिए। अब रहने देते, मेरा सवाल हो कि सर हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, योगी जी ने बोला भी, आप हिंदू राष्ट्र की बात देखो, एक मेरी बात सुनो, हिंदू राष्ट्र का अगर इतने योद्धा है ना, हमारे 23% पाकिस्तान में थे हिंदू, आज 2% भी नहीं है, तो इतने योद्धा है ना जो नू कहते यहाँ पे, अरे ये गऊ के रखवाले, गऊ मतलब कूड़ा करकट खाती हैं, ये हिंदू की बात कर रहे हैं। हिंदू तो मैं हूँ, हिंदू का मतलब ये नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं, मेरा सवाल है। बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। ये उनमें क्या अंकल जी, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, हिंदुस्तान के अंदर रह के वो हमारे किराएदार है, ये बसाने की वाली बात कर रहे हैं, ये उजाड़ने वाली बात नहीं कर रहे, बसाने वाली बात कर रहे। जो औरंगिया बसे पड़े, बांग्लादेशी बसे पड़े, तो उन्हें बाहर करने, ये ना तो फट दे नहीं, अंकल जी ने क्या कहते, बन ही नहीं सकता। जब ये चीज अपने आप बाहर निकल जाएगी तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, और घोषित हो चुका है, कुछ ही समय जा रहा, कुछ ही टाइम जा रहा है, हम हमारा हिंदुस्तान घोषित हो चुका है और ये बनेगा, बनेगा। अब अंकल जी, अब मैं क्या करूं, मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है, पर ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलने वालों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, फ्री दान पेटी लगा के, टिकट लगा के यहाँ से। मेरी बात सुनो, बात एक बात बता, जो यहाँ पैदा हुए, या तो उस टाइम में गांधी की गलती थी जो यहाँ रखे हुए, अब ये कहाँ जाए, अब ये कहाँ जाए, जो कन्यादान करा इंदिरा गांधी का, जो ये गांधी के नाम से आज तक जीते आ रहे हैं, नहीं तो ये फिरोज खान के नाम से जीते, वो तो गांधी ने एक गलती करी थी, इंदिरा गांधी का कन्यादान करा था, जो आज पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। ये बिल्कुल सही है, जो गांधी ने जो बीज बोया वो, चलो गांधी तो चलो भाई, गलती तो थी, बहुत बड़ी गलती थी, उन्होंने जो एक बंटवारा धर्म के आधार पर था, इनको यहाँ रखना नहीं चाहिए था, तो बना दो यार, हम तो कौन सा मना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता नहीं है। यहाँ पे यहाँ कानून लागू करो। कांग्रेस पार्टी ने 4 टुकड़े करे हिंदुस्तान के, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया, अफगानिस्तान बनाया, हिंदुस्तान का एक भी बताओ कोई बसाया नहीं, बस है ना, घटे ही है ना। ये हिंदुस्तान को ये भी खत्म करने के चक्कर में लगे, 2047 के अंदर ये कह रहे हैं इसको भी इस्लामी कंट्री बनाओ, हाँ जिसको भी इस्लामी कंट्री बनाओ, अगर यही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। ईरान से भी वहाँ पे सारे हिंदू थे, ईरान से वहाँ भी मुसलमान वहाँ पे निकाल दिए यार। हम तो चाहते बने, क्यों ये नहीं कहता कि भाई हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हो ही नहीं सकता, ये इकट्ठा ही नहीं हो सकता, हिंदू हो ही नहीं सकते। अभी हम इकट्ठा एकजुट हुए, 1 लाख आदमी था अभी पथ यात्रा के अंदर, हनुमान मंदिर, इससे पहले हम लोग जगह नहीं हुए थे, दो हिंदू जो जगह 2014 के बाद जगह, नहीं तो मरा ही हुआ था, क्यों हमें बोलने ही नहीं, बोलने का अधिकार नहीं था। पर जितने भी हैं वो मंदिर जाके परमात्मा से दुआ करते हैं कि हमारी प्रमोशन हो या कुछ हो जाए। आज हिंदू को परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से कि सर हम यहाँ पे अपनी पदयात्रा लेके जाए ना जाए, तो ये भगवान से डरो, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, 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 कोई बाय का लाल किसी का बाप की ताकत नहीं जो रोक दे। प्रधानमंत्री के ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, ओ दीदी ओ दीदी, किसी पे कटाक्ष करना, 50 करोड़ की गर्ल फ्रेंड यार, जोर बार बाला किसी को सुन, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। आज आज जैसे 2014 से पहले रेल घाटे में चल रही थी, आज भी अरबों खरबों के घाटे में चल रही है, ये बताते नहीं है। वंदे भारत जो ट्रेन चला रहे हैं ये सिर्फ मुजमा है, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, वंदे भारत चल नहीं रही है, कागजों में चल रही है, वो हकीकत में तो चल ही नहीं रही है, और ना कोई टिकट ले रहा, ना रेल में कोई जा रहा है, और बुलेट ट्रेन देखो, इससे बड़ा सपना बुलेट ट्रेन से उस... कोई भला नहीं हो सकता। बिल्कुल, एक बुलेट ट्रेन से देश का भला नहीं हो सकता। बीजेपी 10-10 बुलेट ट्रेन लाएगी, 10-10 बुलेट ट्रेन
ये अंकल जी की बात बिल्कुल सही है, ये बात थोड़ी अधूरी कह रहे थे कि एक से भला होने वाला नहीं है। इनकी मांग है 10 बुलेट ट्रेन की। पहले जब एक वंदे भारत आई थी तब भी हो सकता है अंकल जी को पसंद ना आई हो, आज हजारों बुलेट ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत में लॉन्च हो गई हैं। और देखो सड़कें 2014 से पहले सड़कें तो ऐसी ऐसी मक्खन सड़कें होती थी कि हमें सड़क को अपने सर पर रख के चलना पड़ता था, और आज सड़कों की हालत देखिए कितनी बुरी है, गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना ये स्कैम है ये। पहले देखो कितना पंचर वालों को कितना रोजगार मिलता था, कंकड़ पत्थर ट्रेन में घुस जाते थे, सारे बेरोजगार हो गए। क्यों? सड़कें अच्छी हो गई नहीं, खराब हो गई हैं। अब 2014 से पहले सड़कें अच्छी थी, बेरोजगार कितने हो गए, ब्रेक वाले मैकेनिक, गाड़ियाँ खराब हो जाती थी, क्लच प्लेट चली जाती थी, इतना सारा नुकसान हो रहा है, ये सारा बीजेपी की वजह से हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ना हमें सड़कें चाहिए, हमें सड़कें वही पुरानी वाली सड़कें चाहिए जैसी 2014 से पहले होती थी। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, तरक्कियाँ रुक गई चोर डकैतों की, अगर बीजेपी नहीं आती ना, मैं कह रहा हूँ जो 5000 भाई साहब सारे काम ही उलट पुलट हो गए। जो 5000 करोड़ के घोटाले पे मम्मी बेटा भी जमानत पे बाहर है ना, ये बीजेपी ना आती तो ये और बढ़ना था, देश का विकास तो वहीं होता, जैसे खाते में 5000, 10000, 20000, 25000 करोड़ बढ़ते चले जाते ना, असली विकास वहीं होना था। अंकल जी की बात 100% सही है कि जो आदमी अपना विकास करता है, देश का विकास नहीं करता, उसको तो पीएम बनना ही नहीं चाहिए। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बन सकते? केजरीवाल भी बन सकते हैं। हाँ, केजरीवाल भी बन सकते हैं। हाँ, पहले पटनायक है, उसके डिजर्व करता नवीन पटनायक। हाँ, केजरीवाल में कितनी क्षमता है। मैं 125 में आधा एक क्वार्टर लेके आता था, पर जैसे ही केजरीवाल की सरकार आई और फिर आधा आने लगा, एक के साथ एक फिर आने लगी। अंकल जी बीच में बीजेपी आ गई है, पता नहीं कहां से बीच में बीजेपी आ गई है। और मनीष सिसोदिया के अच्छे काम, जो एक शराबी भाई की किडनी लीवर जैसे तैसे दारू पी रही थी, और बताओ उस अच्छे भले आदमी को सिसोदिया को कितना नेक काम उसने किया, एक के साथ एक दारू फ्री की अगले ने, उसको जेल में डाल दिया बीजेपी वालों ने। बीजेपी ऐसे काम मत करो, देश का युवा शराब पीने का आदि जैसे तैसे बना था, और आपने देखो बीजेपी वालों उस युवा को शराब से आपने वंचित कर दिया।